हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक। आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग साइंस ऑफ क्लास 3 बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड हियर इज अ बुक साइंस स्पार्क। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम इज सॉइल। सो लेट्स लर्न व्हाट इज सॉइल। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, कैसे सॉइल बनता है, व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, काइंड्स ऑफ सॉइल, किन किन तरीकों के सॉइल होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या इम्पॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्मिंग अप। हियर यू हैव टू हेल्प बनी। हियर यू कैन सी देयर इज अ रैबिट, एक रैबिट है जिसका नाम है बनी। यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू द कैरेट्स। तो यहाँ पे कैरेट्स हैं, आपको बनी को कैरेट्स तक पहुँचाना है, जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट रूट है वहाँ से उसे आपको लेके जाना है। सो दिस यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नाउ सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। सॉइल क्या है? अर्थ के सर्फेस का सबसे ऊपर वाला लेयर, ऑन विच प्लांट्स ग्रो, जहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। इट कैन बी सीन इन द गार्डन और इन द फील्ड। ये जो सॉइल है हमें कहाँ दिखता है? ये हमें अपने घर के गार्डन में या फिर फील्ड में दिखाई देता है। प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल। ये जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से फिक्स रहते हैं, मीन्स ये वो मूव नहीं कर सकते, सॉइल में जुड़े हुए होते हैं वो। सॉइल ऑल्सो हैज टू मैनी एनिमल्स। इसमें जो है बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी रहते हैं। नाउ लेट्स लर्न हाउ इज सॉइल फॉर्म, सॉइल कैसे बनता है। सो इन द बिगनिंग देयर वॉज नो सॉइल। पहले क्या था? सॉइल बिल्कुल भी था ही नहीं अर्थ पे। द अर्थ वॉज फुल ऑफ बिग रॉक्स। अर्थ जो था वो बड़े बड़े रॉक्स से, चट्टानों से भरा हुआ था। द सन हीटेड अप द रॉक्स। सन ने क्या किया? इन रॉक्स को गर्म किया। द रेन कूल्ड देम। उसके बाद फिर बारिश हुई, उसने उसे ठंडा कर दिया। This heating and cooling over the thousands of years broke down the big rocks. और ये जो गर्म ठंडा था, means heating और cooling जो था उसकी वजह से क्या था, जो rocks थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए, smaller rocks में convert हो गए। The smaller rocks continued to break down and formed tiny pieces of soil. और ये जो smaller rocks थे ये जो है छोटे छोटे pieces बन गए soil के। तो आपके सामने picture है, आप इसके through भी देख सकते हो। पहले क्या था? एक बड़ा सा rock था। Sun heated the rocks। Sun ने क्या किया? इन rocks को बहुत ज़्यादा heat up कर दिया। फिर बारिश का मौसम आया, बारिश ने इन rocks को ठंडा कर दिया। तो क्या हुआ? एकदम से गर्म और ठंडे की वजह से क्या हुआ? द कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रोक डाउन बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक। तो बार बार ये गर्म ठंडा जो था इसकी वजह से जो रॉक्स थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, छोटे छोटे रॉक्स में डिवाइड हो गए। नाउ स्मॉल रॉक्स ब्रोक डाउन टू फॉर्म सॉइल। और ये जो छोटे रॉक्स थे ये और छोटे हो गए इस हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस की वजह से, जो कि जिसकी वजह से ये जाके सॉइल बन गए। सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन द सॉइल। जो नॉर्मल सिंपल प्लांट्स होते हैं वो इन सॉइल में ग्रो करते हैं। एंड दिस इज द स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये है सॉइल फॉर्मेशन के स्टेजेस। नाउ चिल्ड्रन, दीज सिंपल प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल, व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, देयर रिमेन्स रॉट एंड फॉर्म ह्यूमस। इनका जो बचा हुआ बॉडी का जो भी आप कह सकते हो मसल्स हैं, या ये जो पार्ट हैं, या जो प्लांट के जो डेड रिमेन्स है, वो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे रॉट मीन्स सड़ने लग जाते हैं। सड़ने के बाद ये ह्यूमस बन जाते हैं, जो ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस गेट मिक्स विद द सॉइल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और ये ह्यूमस जो है इस सॉइल का एक पार्ट बन जाता है उससे मिक्स होके। सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो सॉइल फॉर्मेशन है इसको बनने में, इस सॉइल को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। मीन्स अगर थोड़े से सॉइल को बनाना है तो उसको बनाने के लिए हजारों साल लगते हैं। Now, let's learn what does soil contain. अब soil में हमने भी पढ़ा है कि humus होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं soil में, let's see. So, take a wide-mouthed bottle. आपको एक bottle लेना है जिसका जो mouth है वो चौड़ा होना चाहिए, wide होना चाहिए।
पुट अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल इन इट, उसमें थोड़ी सी गार्डन के सॉइल को आपको डाल देना है। फिल हाफ ऑफ द वॉटर विथ वॉटर, आपको क्या करना है, आधे बॉटल को पानी से भर देना है। स्टिर इट एंड अलाउ द सॉइल टू सेटल डाउन, उसे अच्छे से चम्मच से मिक्स करना है और मिट्टी को बैठने का इंतजार करना है। इफ वी ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द बॉटल आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट सॉइल सेटल्स इन देयर, जब हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे उस मिक्सचर को, तो हमें पता चलेगा कि जो सॉइल है वो कई सारे लेयर्स में जो है नीचे की तरफ बैठा हुआ है। ऑन द टॉप ऑफ द वॉटर फाइन सॉइल फ्लोट्स, जो वाटर है उसके सबसे ऊपर सबसे हल्का से सबसे महीन फाइन सॉइल होता है वो फ्लोट करता है, विथ पीसेस ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, जिसमें कुछ पत्ते होंगे कुछ लकड़ी के टुकड़े होंगे। दिस इज ह्यूमस, ये ह्यूमस पार्ट है। द सेकेंड लेयर हैज़ फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, और जो सेकेंड लेयर बनती है उसमें जो आपको सॉइल के फाइन ग्रेन्स मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मड्डी होगा, मीन्स मटमैला होगा। This is clay, और इस पार्ट को हम क्ले कहते हैं। The third layer has grains bigger than clay, और जो थर्ड लेयर है वहाँ पर जो ग्रेन्स है वो क्ले से थोड़े बड़े मिलेंगे आपको, इसे हम कहते हैं सैंड। The last and the fourth layer has big grains, और जो लास्ट लेयर है उसमें आपको बड़े बड़े ग्रेन्स मिलेंगे सॉइल के, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, रॉक्स के पीसेस मिलेंगे, एंड इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रेवल। टू समराइज, द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। सो सॉइल में ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगे, क्या क्या, ह्यूमस, क्ले, सैंड, ग्रेवल। तो ये चारों चीज़ें आपको सॉइल में मिलेंगे। अब आप देख सकते हो व्हाट डज सॉइल कंटेन, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स जो सॉइल में होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो हराइजन पे होता है 0 degree। अब इसके बाद आता है आपका सेकेंड पार्ट जिसे हम ए हराइजन कहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट जो बी हराइजन है, मींस 30 degree तक। उसके बाद आता है सी हराइजन जो कि है 48 degree तक गर्म। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड दीज आर द थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स। Now let's test your skills here. Unscramble the word and find the answers. So what you have to do, you have to unscramble the words. Words ko unscramble karna hai aur answer ko find out karna hai. So outermost layer of the earth, earth ka jo outermost layer hai usse kya bolte hain? In words ko aapko sahi karna hai. So the word will be soil. The process in which sun's heat, rain and wind help big rocks pieces to break into smaller pieces, what is it called? So what you have to do, you have to unscramble this. Next, dead remains of plants, animals, insects form this. So jo dead remains of plants, animals or insects ke usse kya banta hai, it is called humus. Now the second layer having fine grain of soil with muddy water, so jo second layer hai usse kya kehte hai, it is called clay. So these are the answers children, you have to do the second one yourself. Now, soil contains water. ये जो soil है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, water मिलेगा। So when some garden soil is heated in a container covered with a lid, अगर हम garden का कुछ soil लेते हैं और उसे किसी बर्तन में गर्म करते हैं जिसमें एक lid हम लगा देते हैं, drops of water are noticed on the inside of the lid. तो उस लिड के ऊपर हमें क्या मिलेगा, ड्रॉप्स मिलेंगे वाटर के। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें मिट्टी भर दी हमने गार्डन की, फिर उस कंटेनर को हम कवर करके गर्म कर रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद हम उस कंटेनर को उठाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि पानी की बूंदें यहाँ पे जो ये ढक्कन है इसके ऊपर हमें लगी हुई दिखेंगी। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे लिड के अंदर, जिससे पता चलता है कि वो जो सॉइल था जिसे हम गर्म कर रहे थे उसके अंदर भी वाटर होता है। So this shows that soil contains water. The water in the soil forms vapors when heated. ये जो soil में water होता है वो heat होने पर vapors बन जाते हैं। Now vapors touch the lid and cools down to form droplets. अब ये vapors क्या होते हैं, ये lid को touch करते हैं, वहाँ पर जाके ठंडे होने के बाद ये droplets का form ले लेते हैं। The water trap in the soil is called moisture. और ये जो वाटर होता है सॉइल में उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल में एयर होता है।
So here another example is given, another activity is given. What you have to do? Take a jar with some soil in it. एक बर्तन लेना है जिसके अंदर आपको थोड़ी सा soil लेना है. Pour water in the jar. आपको jar में पानी डालना है. You will see air bubbles forming on top. आप देखेंगे कि air की bubbles जो है उस बर्तन में ऊपर की तरफ आते हुए आपको दिखेंगे. When water is poured into the soil, air escapes in the form of bubbles. तो जब पानी को डाला जाता है मिट्टी में, तो जो अंदर मिट्टी के अंदर जो एयर होती है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर की तरफ आने लगती है. दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स एयर, और ये दिखाता है कि जो सॉइल है उसके अंदर एयर होता है. नाउ दिस वॉज योर एक्टिविटी. नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स कैन ब्रीद इन एयर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. आपको पता है कि जो अर्थवर्म है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रोड्यूस होती है, जो मौजूद रहती है, उससे ही सांस लेते हैं. They do not need to come up for air. उन्हें मिट्टी के ऊपर आने की जरूरत नहीं है हवा लेने के लिए, एयर लेने के लिए. Now let's learn about the kinds of soil. कौन कौन से तरीके के soil हैं अब हम वो पढ़ेंगे. So soil is made up of particles of different sizes. Soil जो है अलग अलग तरीके के छोटे बड़े particles को मिला के बनता है. Depending on the size of the particles, these are mainly three types of soil. So जित भी तरीके के पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें हम थ्री टाइप्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल. तो ये तीन टाइप्स है जिसमें हम सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला आता है सैंडी सॉइल, लाइट ब्राउन इन कलर. ये लाइट ब्राउन होता है कलर में, जैसा कि आप देख सकते हैं. इट इज़ फाउंड ऑन बीच एंड डेजर्ट. ये बीच एरिया पे या डेजर्ट एरिया में मिलता है. रेत जिसे कहते हैं वो सैंडी सॉइल है. कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एयर मिलेगा. वाटर सीप्स क्विकली, वाटर अगर डालोगे तो एकदम से ही इसके अंदर वो चला जाता है. लार्ज एंड कोर्स पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और कोर्स ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट कम्स क्लेई सॉइल, एंड हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लेई सॉइल. It is yellowish in color. ये yellowish color का होता है. Can hold a large amount of water. इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी store किया जा सकता है. Yellowish in color होता है ये, and used for making pots and toys. ये pots and toys बनाने के काम आता है. Very fine grains that stick together. यहाँ पे जो grains होते हैं, जो मिट्टी के जो कण होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा fine होते हैं, एंड ये जो है आपस में चिपकने लगते हैं. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल विच इज कॉल्ड लोमी सॉइल. सो दिस लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड. मीन्स क्ले सॉइल और जो आपका जो सैंडी सॉइल है उन दोनों का मिक्सचर होता है ये आपका लोमी सॉइल. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर. इट इज रिच इन एयर एंड वाटर. इसमें जो है भरपूर आपको एयर और वाटर मिलेगा. Very fertile as it contains a lot of humus. ये काफ़ी ज़्यादा fertile होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा humus होता है. Good for growing crops. Crops grow करने के काम आता है. Now let's learn about the importance of soil. Soil is very useful for farmers. जो farmers हैं, जो किसान हैं, उनके लिए soil काफ़ी ज़्यादा important होता है. Different types of soils are used for growing different types of crops. अलग अलग तरीके के सॉइल को यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सॉइल होल्ड्स एंड सपोर्ट्स द प्लांट. सॉइल क्या करता है, प्लांट्स को होल्ड करता है और उसे सपोर्ट देता है ताकि वो ना गिरे. फार्मर्स एड मैन्योर टू मेक द सॉइल फर्टाइल. अब इस सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें जो है मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. काउ डंग एंड लीव्स आर यूज टू मेक मैन्योर. मैन्योर बनाने के लिए काउ डंग, गोबर और लीव्स को यूज़ किया जाता है ताकि मैन्योर बनाया जा सके. सॉइल इज ऑल्सो होम टू वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स इस सॉइल में ही रहते हैं, ये उनका घर है. एनिमल्स लाइक अर्थवर्म हो गए, बीटल्स हो गए, स्नेल्स एंड एंट्स लिव इन सॉइल. ये सारे एनिमल्स सॉइल में रहते हैं या इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं. अर्थवर्म मेक द सॉइल फर्टाइल बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमस फॉर्मेशन. अर्थवर्म क्या करते हैं, जो सॉइल है उसे फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं.
क्रॉप्स ग्रो बेटर इन फर्टाइल सॉइल। ये जो क्रॉप्स है ये फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फार्मर्स नीड टू प्लो द सॉइल सो दैट द एयर एंड वाटर कैन रीच द रूट्स। फार्मर्स क्या करते हैं, इन्हें जो है सॉइल को प्लो करने की ज़रूरत होती है ताकि एयर और वाटर जो है इनके रूट्स तक पहुँच सके, प्लांट्स के रूट तक पहुँच सके। अर्थवर्म एक्ट एज नेचुरल टाइनी प्लोज। अर्थवर्म क्या है, ये नेचुरल प्लोज का काम करते हैं, मीन्स ये मिट्टी को खोदने का काम करते हैं। एज ए मूव थ्रू द सॉइल, क्योंकि ये क्या करते हैं सॉइल में मूव करते रहते हैं तो मिट्टी अपने आप खुदती रहती है। दे डिग टनल्स दैट अलाउ एयर एंड वाटर टू रीच द सॉइल। ये क्या करते हैं टनल्स बना लेते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से अच्छे से एयर और वाटर सॉइल तक पहुँच जाता है। हेंस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विथ ईज। और इस तरीके से क्या होता है जो प्लांट्स हैं बहुत ही आसानी से ग्रो करने लगते हैं सॉइल में। सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड बाई ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कौन खाता है, वो ह्यूमन्स खाते हैं, मीन्स हम लोग खाते हैं, और कुछ एनिमल्स खाते हैं। आप देख सकते हो अर्थवर्म प्लोइंग द सॉइल। अर्थवर्म क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सॉइल को प्लो करने का। नाउ पॉटर्स मेक पॉटरी यूजिंग क्ले सॉइल। सो जो क्ले सॉइल है उसको यूज करके जो पॉटर्स है वो पॉट्स बनाते हैं। पीपल ऑल्सो यूज मड टू मेक कच्चा हाउसेज। और लोग इस सॉइल को, इस मड को यूज करते हैं अपने कच्चा हाउस, मीन्स अपने घर बनाने के लिए भी लोग इस सॉइल को या फिर मड को यूज करते हैं। सो आप देख सकते हो पॉटरी बीइंग मेड यूजिंग सॉइल, मिट्टी के कैसे यहाँ पे पॉट्स या फिर बर्तन बनाए जा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स। रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल बनता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए सॉइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द वाटर ट्रैप्ड इन सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। सो वाटर जो पानी में इकट्ठा हो जाता है, पानी जो इकट्ठा हो जाता है सॉइल में, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, वेदरिंग इज ब्रेकिंग ऑफ स्टोन बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। सो पत्थरों का टूटना एयर और वाटर के एक्शन से, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। मटेरियल्स दैट मेक द सॉइल हेल्दी आर नीडेड बाय प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ऐसे मटेरियल्स जो सॉइल को हेल्दी बनाते हैं और जो प्लांट को जिनकी ज़रूरत होती है। ह्यूमस क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ डार्ट डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ऐसे स्मॉल पार्ट्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो क्या करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर इज द वाटर ट्रैप्ड इन द सॉइल। सो जो पानी इकट्ठा होता है सॉइल में उसे मॉइस्चर कहा जाता है। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। ए पार्टिस्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज द आउटर मोस्ट हार्ड रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का जो आउटर मोस्ट रॉकी लेयर है उसे क्या कहते हैं, उसे ह्यूमस, क्रस्ट, सॉइल या फिर मैंटल कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड क्रस्ट। प्लांट्स ग्रो वेल इन। प्लांट्स कहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज लोमी सॉइल। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, रॉक्स और ऑल ऑफ दिस। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू द फोर्थ वन योर सेल्फ एज अ होमवर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट words. So plants stay attached to the soil. प्लांट जो है सॉइल में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं या फ्री रहते हैं? सो दे स्टे फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। सॉइल प्रोवाइड्स डैश टू द प्लांट्स। सॉइल क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, सिर्फ वाटर प्रोवाइड करता है या फिर वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों प्रोवाइड करता है? सो द करेक्ट आंसर इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल। Rocks or humus. So humus makes the soil fertile. Next, water in the soil forms dash when heated and farmers grow crops in dash. So these two are your homework, do them yourself. Now children, let's move on to C part, which is write two examples for each of the following. The first question is
soil provides these two plants. So soil provides water and nutrients. Color of soil is brown and yellow. Like this, children, you have to do the rest two questions as your homework. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what is soil? So soil is the mixture of humus, clay and different other things. Next, describe the formation of soil. How soil is formed? So soil is formed, firstly rock is heated by the sun and then it is cooled by the rain. This continuous heating and cooling breaks the rocks into smaller rocks, and by this process only the smaller rocks are formed into take the formation of soil. So like this, children, you have to write down the answer. Now the third, fourth and fifth question is your homework. What is soil? What does soil contain? How would you show that soil contains water, and why is soil important for us? So these three questions are your homework. You have to do them yourself. So children, with this, the chapter is over. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.